हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के पहले दो वीडियो हम डाल चुके थे। इसके बाद आगे दोबारा से कई स्टूडेंट्स ने कहा, सर एक बार वापस से रिपीटेशन कर दीजिए करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के जो टाइप हमने किए थे। तो एक बार दोबारा से आप करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के टाइप वगैरह देख लीजिए। देखिए, मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजी में, हमारी जो इंग्लिश है उसमें टेंस कितने होते हैं? टेंस तीन होते हैं। ये आपको PDF में भेज दिया है और आप अच्छे से जानते हैं कि तीन टेंस कौन कौन से हैं। पहला टेंस करना, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। दूसरा है पास्ट टेंस, ये पास्ट टेंस। तीसरा हमारा है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। अब करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में क्या है कि तीनों जो टेंस हैं, जो ये तीनों टेंस हैं, इन तीनों टेंसों के जो भाग है चार चार, उन चारों चारों भागों से हमें रूल्स हैं, जो नियम है वो याद करने हैं। उनके आधार पर जो है हमें क्या है, वर्ब को भरना है। इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का मतलब है कि आप वर्ब का इसमें सही रूप भरना है हमें, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान है कि हमारे इंग्लिश में टेंस तीन होते हैं और तीनों को जो है चार चार भागों में डिवाइड किया है। जैसे पहला है इंडेफिनेट, इंडेफिनेट, ठीक है। तो यानी प्रेजेंट का इंडेफिनेट हो गया, पास्ट का इंडेफिनेट हो गया, ऐसे फ्यूचर का इंडेफिनेट हो गया। यानी प्रत्येक जो टेंस है उसे, प्रत्येक टेंस जो है उसमें ये इंडेफिनेट आएगा, प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो चाहे फ्यूचर का हो, ओके। उसके बाद सेकंड है हमारा पास्ट है, पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का, तीनों का कंटिन्यूस, कंटिन्यूस हो गया। इन तीनों का परफेक्ट, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, पास्ट का परफेक्ट हो या फ्यूचर का परफेक्ट हो, ठीक है। नंबर चार, परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस। ये चार टेंस, तीन टेंस हैं और तीनों टेंसों के चार चार भाग हैं। अब क्या है कि इन सब टेंस जो हैं, इन सब टेंसों का हमको क्या करना है, रूल्स पढ़ने हैं कि कौन से टेंस में कौन सी एडवर्ब्स आएंगे और एडवर्ब्स के आधार पर हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी होती है। तो ये आपको तीन टेंस है और इसके चारों भाग हैं, पहले भी बता दिया था और दोबारा से जो है आपको यहाँ बताया है। तो देखिए, अब हम पहला जो टेंस है उसमें मैंने आपको क्या किया था कि ग्रुप के रूप में पढ़ाया था, ग्रुप वाइज पढ़ाया था। दोबारा से मैं आपको उस ग्रुप को क्लियर कर रहा हूँ, इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जो PDF भेजी है उसमें भी आपने लिख लिया है, लेकिन इसको अगर हम ग्रुप में से पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा। जैसे ग्रुप नंबर वन, ग्रुप फर्स्ट, इसमें मैंने बताया था कि भाई सबसे पहले आपको क्या करना है कि सिंस फोर के नियम को याद रखना है, कि हमारे सिंस फोर के जो रूल्स है उनको याद रखना है। देखिए, नंबर वन, मैं आपको लगभग 6-7 ग्रुप्स कराऊंगा और उसमें लगभग लगभग 3-3 रूल्स हमारे इंक्लूड होंगे। फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। इसमें क्या है, सिंस फोर का कवर होगा। जैसे अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस में सिंस और या फिर फोर है, सिंस और फोर, ये हमेशा समय के लिए आता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के हम पहले कर रहे हैं। यानी सिंस फोर के जितने भी रूल हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के, उनको हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं। तो सिंस फोर प्लस समय हो, यानी कि टाइम, सिंस के साथ समय हो या फिर फोर के साथ समय हो, कोई भी समय हो सकता है, सिंस के साथ भी समय हो सकता है और फोर के साथ भी समय। तो जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी उसमें हम क्या भरेंगे, सिंगुलर के साथ में, यानी कि एकवचनकर्ता के साथ हैज बीन, और अगर बहुवचनकर्ता होगा तो क्या भरेंगे हम, हैव बीन, ये भरेंगे। प्लस इसके साथ में वी वन में क्या भरेंगे, आईएनजी भरेंगे। यानी अधिकांश इसको पूछते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में। ये आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सारी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की जो हमने 10-15 पेज भेजे हैं, उन पेजों का एक सार है, सार आ गया। इनको भी आप तैयार करेंगे तो आपके एक भी क्वेश्चंस जो है आउट नहीं जाएगा और सही होंगे। सिंस के साथ समय हो या फोर के साथ समय हो, तो जो हमारा सेंटेंस होगा उसमें जो वर्ब भरेंगे, हैज बीन, हैव बीन प्लस वी वन में आईएनजी, ये आपको पता है। सिंगुलर के साथ में भरना है और ये अपन को प्लूरल के साथ में। जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल भी दे रहा हूँ आपको, आपको पहले एक एग्जांपल देता हूँ कि राम, खालिस्तान दिया हमने, रीड ए बुक, सिंस मंडे, ये
ठीक है। अब यहाँ क्या है, सेंटेंस में आपने देखा सिंस है और सिंस के साथ में समय दे दिया है। समय कोई सा भी हो सकता है, यहाँ प्रेजेंट का भी हो सकता है समय, और यहाँ समय जो है पास्ट का भी हो सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट का ही होगा, पास्ट का भी समय हो सकता है। तो क्या लिखा, राम खालिस्तान रीड ए बुक सिंस मंडे। तो अब वर्ब भरनी है, अब आपको देखना है कि सिंस दे रखा है, फोर दे रखा है, प्लस समय दे रखा है, तो हैज या हैव आएगा। अब राम यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में हैज बीन भरेंगे आप। तो यहाँ क्या आ जाएगा, हैज बीन, और रीड जो है फर्स्ट फॉर्म में, इसमें क्या रख देंगे अपन, आई एन जी, इस प्रकार से हैज बीन रीड। उसमें काफी एग्जांपल्स भेज रखे हैं आप, किसी भी अभी पूरे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को मैं आपको क्लियर कर दूं, उसके बाद मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूंगा, उस बुक से आप बहुत सारे एक्सरसाइज करते रहिए। और जो है अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो आप मेरे को पर्सनली पूछ सकते हैं कि सर इस प्रकार से इसमें ये क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको पहले बता दिया कि दो कॉपीज बनानी है, जिसमें एक में ग्रामर का काम कर लेंगे, एक में अपन फुटप्रिंट्स का काम करेंगे, एक में पोएम्स का और एक में बुक का। तो ये पूरा हो जाएगा, उसके बाद बुक्स भी पढ़ाएंगे। काफ़ी समय से वीडियो भी नहीं आ रही थी, कोई समस्या आई थी इस कारण से नहीं डाल पा रहा था मैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से करना। अब जैसे इसी का दूसरा है, मान लीजिए यहाँ पर सेकंड क्या होता है सिंस फोर का, सिंस इसके साथ में फोर प्लस टाइम, देखो बात वही है, ऊपर भी मैंने सिंस लिखा फोर लिखा, सिंस लिखा फोर प्लस समय, तो यहाँ तक तो सेम है। इसके साथ में क्या होगा कि एक और सेंटेंस होगा, एक सेंटेंस और होगा, यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ दूसरा वाक्य, इसी में कनेक्टेड होगा दूसरा वाक्य पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में हो इसी के साथ। अगर कोई दूसरा सेंटेंस है इंक्लूड है, अगर ये सिंगल है तब तो ये भरना है, एक सेंटेंस और इसमें जुड़ा हुआ है तो फिर क्या करना होगा हमें, यानी पास्ट है तो हैज हैव का पास्ट क्या होता है, हैड बीन प्लस बी वन में क्या भरना है आपको, आई ये भर देंगे। जैसे देखिए इसका एग्जांपल भी देखिए आप, जैसे व्हेन आई वेंट देयर राम खालिस्तान डिग ए सिंस टू हाउस, क्या लिखा, वेन आई वेंट देयर। अब ये सेंटेंस ऐसा नहीं है कि पहले शुरू में ये आ गया या बाद में, सेंटेंस कैसे भी आ सकता है, सेंटेंस शुरू में दे दिया यहाँ पर, क्या कह दिया है कि वेन आई वेंट देयर, जब मैं वहाँ गया, एक सेंटेंस अपना ये वाला जो है ये पास्ट में है यानी सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ क्या लिख दिया हमने, राम लिख दिया है, और उसके बाद में देखिए सिंस के साथ में समय दे दिया सिंस टू आवर्स। अब ये सेंटेंस अगर इतना ही होता, इतना ही होता तो हम हैज बीन या हैव बीन भर देते, लेकिन सेंटेंस में आगे पास्ट का भाव और दे दिया है, तो इस कारण से इसमें क्या आ जाएगा, हैड बीन आ जाएगा, हैड बीन डिग्री डी आई डबल जी आई एन जी डिग्री वाली गड्ढा खोदना। दोनों सेंटेंस बोर्ड में आए हुए हैं, मैंने आए हुए सेंटेंस ही आपको पूछे दिए हैं इसमें, और अधिकांश सेंटेंस ऐसे ही देंगे। तो सिंस फोर का पहला हो गया, सिंस फोर का दूसरा हो गया, अब देखते हैं सिंस फोर का तीसरा, तीनों यानी आपको पता है कि सिंस फोर तीनों टेंसों में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। पहले हमने सबके चौथा जो टेंस है उसको क्लियर कर दिया, यानी ग्रुप नंबर वन को हमने निकाल दिया। अब आपको सिंस फोर को अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पूरा क्लियर कर दिया है। अब देखिए सिंस या फोर, बात वही है तीनों में, प्लस टाइम भी दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, सिंस के साथ सम टाइम है, फोर के साथ टाइम है, प्लस बाय प्लस फ्यूचर टाइम, बाय प्लस फ्यूचर टाइम, बाय के साथ में फ्यूचर टाइम दिया होगा। यहाँ देखिए सिंस है, फोर है, प्लस टाइम है, प्लस बाय प्लस फ्यूचर टाइम, अगर ये दिया हुआ हो, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, कई स्टूडेंट्स ने कहा कि सर एक बार दोबारा से रिपीट कर दो, इसलिए दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ये वीडियो अपन भेज चुके हैं पहले, बट वापस से दोबारा से एक बार आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से आपको पढ़ना है, और इसको लिख लेंगे आप, कॉपी में उतार भी लेंगे, इसे भी आप उतार लेंगे, जहाँ आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब किया उसके पीछे इनको सबको उतार लेंगे यहाँ से। एग्जाम्पल की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम्पल बहुत सारे आपको मैं पीडीएफ के जरिए भेज दूंगा, आप करते रहिएगा, एग्जाम्पल्स में आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। तो क्या बनना है यहाँ पर, देखो फ्यूचर का आ गया, तो इसका मतलब फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब आएगी, विल हैव शैल हैव, शैल का प्रयोग किसके साथ करेंगे, आई और वी के साथ में, शैल का प्रयोग बाकी के साथ में, विल का प्रयोग करना है, तो विल हैव शैल हैव प्लस वी वन में, सॉरी वी प्लस वी वन में आई एन जी,
उपयोग करना है, विल हैव बी शैल हैव बी प्लस वी वन में आईएनजी। ये इस प्रकार से ये हमारा ग्रुप नंबर एक था जिसको आपको करना है। इसको आप कॉपी में उतारेंगे, अच्छे से कॉपी में उतारेंगे और आप करेंगे, फिर मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, आप बहुत सारे एग्जांपल्स भी करना है इसके बाद। तो ये ग्रुप नंबर फर्स्ट हो गया, जो मैं पहले भी समझा चुका हूँ, वही है आगे चल रहा है। ठीक है, अब देखिए ग्रुप नंबर सेकेंड। देखिए ग्रुप नंबर सेकेंड, अब ग्रुप नंबर सेकेंड में देखिए बिल्कुल इजी है, कठिन नहीं है, यहाँ से पूरी टेंसों से चल रहा है। मान लीजिए कोई सेंटेंस हमारा है और उस सेंटेंस में इन दिया हुआ है, बिल्कुल इन दिया होगा, तो इनके साथ में इन प्लस, यहाँ इनके साथ में इन प्लस जो है क्या दिया होगा आपके पास, पास्ट टाइम, पास्ट टाइम, पास्ट का मतलब पिछला, यानी कि भूतकाल का कोई भी समय दिया हो, जैसे यस्टरडे आ गया है, लास्ट डे आ गया है, लास्ट नाइट है, लास्ट वीक है, या जैसे कोई भी ईयर आ सकता है, लास्ट मंडे आ सकता है, ईयर जैसे क्या नाम से 2020 है, 2015 है, 1947 है, कोई सा भी समय आ जाए, किसके साथ में, इनके साथ पास्ट टाइम आ जाए, इनके साथ पास्ट टाइम। तो क्या बनना है, अब इसका नियम ऐसे लिखा रखा अपन ने, यदि वाक्य में इन प्लस ये दे रखा हो तो वो सारी अपन को लिखने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट यहाँ से ग्रुप नंबर सेकंड में देखा, अभी आपने सिंस फॉर प्लस समय का देखा तीनों, अब यहाँ इन प्लस पास्ट टाइम, ये अगर दे रखा हो तो अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है, सकारात्मक है, तो वी टू बनना है, और अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है या प्रश्नात्मक होता है तो हम डिड भरेंगे, उसके अंदर प्लस वी वन भर देंगे। ये हमारा यहाँ से इनके साथ में पास्ट टाइम का होगा। दूसरा है, यहाँ इन दिया हुआ है और इसके साथ में फ्यूचर टाइम दिया हुआ है। फ्यूचर टाइम का मतलब आने वाला समय। अब आपको पता है कि आने वाला समय, जैसे आज जितने भी, आज जो भी डेट है तो कल की डेट होगी और फ्यूचर की होगी, टुमारो कल में आएगा यहाँ से, है ना, और नेक्स्ट आएगा तो भी वो कल में आएगा, अगले दिन में। तो इन प्लस फ्यूचर टाइम कोई भी दे रखा हो तो क्या बनना है, फ्यूचर का मतलब फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब है, विल शैल प्लस वी वन बनना है इसे, तो ये बनना है। अरे मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, एक एक इनका एग्जांपल भी दे दूंगा, अभी मैं तीनों रूल्स आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ। अब जैसे थर्ड, तीसरा, इन प्लस फ्यूचर टाइम हो गया, अब यहाँ देखिए बाई प्लस फ्यूचर टाइम आ जाए, मान लीजिए बाई प्लस फ्यूचर टाइम आ जाए, मान लीजिए बाई प्लस फ्यूचर, बाई इन प्लस पास्ट टाइम आ गया तो वी टू भरना है, इन प्लस फ्यूचर टाइम आएगा तो विल सेल प्लस वी वन भरना है, और बाई प्लस फ्यूचर टाइम आ जाए तो आपको क्या भरना है इसमें, विल या शैल प्लस वी थ्री भरना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे बिल्कुल इजी है, इन प्लस पास्ट टाइम आएगा वी टू भरना है, इन प्लस क्या नाम से फ्यूचर टाइम आए तो विल सेल प्लस वी वन भरना है, और बाई प्लस फ्यूचर टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया जाता है ये सेंटेंस, टेंथ से काफ़ी बार पूछते हैं, इससे ही पूछते हैं, पर मोस्टली ज़्यादातर इससे ज़्यादा पूछते हैं। जैसे मैं पहले इसी का सेंटेंस लिखता हूँ, आई ब्लैंक स्पेस दे दिए, कंप्लीट ये जहाँ सॉरी इसमें विल है प्लस वी थ्री आए, बाई मिस्टेक हो गया, विल है या शैल है प्लस वी थ्री आए, ठीक है, कंप्लीट माय वर्क बाई दो हजार बाईस, क्योंकि 2021 चल रहा है ना, तो हमने ये लिख दिया, आई लिख दिया है, कंप्लीट लिख दिया है, माई वर्क बाई 2000 लिख दिया, ठीक है, तो 2022 लिख दिया। अब विल हैव ये शैल प्लस वी थ्री भरना है, तो आपको पता है कि आई वी के साथ में शैल आता है, बाकी के साथ में विल आएगा, तो यहाँ ये बाई प्लस फ्यूचर टाइम आ गया, सेम कंडीशन है, यहाँ अगर बाई की जगह जो है हम इन कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा, और यहाँ अगर हमने इन की जगह बाई है तो फिर ये आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, शैल हैव कंप्लीटेड। इनको आप लिखेंगे अच्छे से लिख लिख कर याद भी करना है, लिखना भी है। अब आपको पता है कि तीन, उसमें ग्रुप नंबर जो फर्स्ट कराया था उसमें तीन नियम आ गए, इसमें भी तीन नियम, छह नियम आपके पूरे कंप्लीट हो गए, इतने सारे नियमों में से छह कंप्लीट हो गए। यहाँ जैसे मैंने लिखा कि वी बिल्ड ए हाउस इन 2015, हमने एक 2015 में एक घर बनाया, निर्माण किया उसका, तो यहाँ इनके साथ में देखो पास्ट टाइम दे दिया है,
इनके साथ पास्ट टाइम, अगर यहाँ पर जैसे इनके साथ में फ्यूचर टाइम होता 2025 होता तो फिर हम ये भरते, तो यहाँ इनके साथ में ये दे रखा है तो यहाँ V2 भरना है, तो बिल्ड जो है इसकी सेकंड फॉर्म क्या भरेंगे हम, BUILT ये भर देंगे इस प्रकार से BUILT। तो आपको ग्रुप नंबर सेकंड है इन प्लस पास्ट टाइम तो V2 भरना है, इन प्लस फ्यूचर टाइम आएगा तो विल सेल प्लस V1 भरना है, और बाई प्लस फ्यूचर टाइम आएगा तो विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरना है, ये ग्रुप नंबर हमारा सेकंड है। अब देखिए आप इसमें ग्रुप नंबर थर्ड, ग्रुप नंबर थर्ड आपको ग्रुप नंबर फर्स्ट में भी तीन नियम थे, सेकंड में भी तीन थे, और ये हम थर्ड कर रहे हैं तो इसमें भी तीन ही रूल्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस है और सेंटेंस के बीच में बिफोर दिया हुआ है, सेंटेंस दिया हुआ है और सेंटेंस के बीच में बिल्कुल क्या दिया हुआ है, बिफोर दिया हुआ है, तो आपको यहाँ क्या करना है, आपको बिफोर से पहले हेड प्लस V3 भरना है, बिफोर से पहले जो भी सेंटेंस आएगा उसमें आपको भी हेड प्लस V3 भरना है और बिफोर के बाद वाले सेंटेंस में V2 भरना है। यानी आपको ऐसा भी हो सकता है कि इस सेंटेंस को भर के दे सकता है आपको ये भरना, आप ध्यान रखें कि बिफोर वाले सेंटेंस में आपको क्या रखना है, एक तरफ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक तरफ क्या नाम से V2 भरना है, अगर V2 भर के देता है तो ये भरना है और अगर हेड प्लस V3 भरता है तो V2 भरना है, बिल्कुल आपको क्लियर अच्छे से याद रखना। अभी एग्जाम्पल भी लिखेंगे हम इसके। दूसरा, अगर मान लीजिए सेंटेंस में बीच में बिफोर दिया हुआ है, बिफोर दिया हुआ है और बिफोर के पहले V1 या V1 में क्या दे, V1 में एस या ES दिया हुआ हो, तो हम इस तरफ भी दूसरी तरफ भी यदि यहाँ पहले V1 या V1 में एस ES दिया हुआ है तो दूसरी तरफ भी हम क्या करेंगे, V1 या V1 में एस या ES हमें ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, यानी पहले भी यही तो बाद में भी यही बनना है, ऐसा नहीं है कि हाँ आपने देखा बिफोर आ गया हेड प्लस V3 भर देंगे, नहीं, हाँ V3 कब भरना है, जब V2 दे रखा है, दोनों तरफ देखो फर्स्ट फर्स्ट दे रखा है, आपको एक तरफ का भरकर देगा, ऐसा नहीं कि दोनों तरफ का खालिस्तान दे दिया कि आप भरो, बड़ी दिक्कत होगी आपके लिए, तो आपको बिल्कुल अगर ये भरना है तो ये भर के देगा और अगर ये वाला भर के दिया है तो ये भरना होगा, ठीक। थर्ड है आफ्टर, आफ्टर में क्या होता है, बिल्कुल बिफोर के बिल्कुल विपरीत, कैसे अपोजिट होगा इसे, जैसे बिफोर आफ्टर में क्या होता है कि पहले आफ्टर के पहले वाले सेंटेंस में मेरा V2 आएगा और बाद वाले में क्या होगा हेड प्लस V3, बिल्कुल इसी का, तो बिफोर में हेड प्लस V3 पहले और आफ्टर में हेड प्लस V3 बाद में। तीन ग्रुप करें हमने, नो रूल्स को हमने पूरी तरह से क्लियर कर लिया आपके लिए। देखिए एग्जाम्पल देखिए, मैं ये भर के देता हूं आपको, द ट्रेन हैड गोन बिफोर आई रीच द स्टेशन। तो अब देखिए यहां बिफोर दिया हुआ है, अब आपको पता है कि मैंने बिफोर की दो कंडीशंस लिखा दी हैं, एक तो बिफोर के पहले हेड प्लस V3 दिया हो तो V2 भरना है, एक बिफोर के पहले अगर V1 या V1 में ऐसा एस दिया हुआ है तो ये भरना है। आपने देखा बिफोर, बिल्कुल बिफोर दिया हुआ है, आपने देखा कि बिफोर के पीछे वाला सेंटेंस खाली में है तो आगे वाले को देख लो हेड प्लस V3 दे रखा है, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि बिफोर के पहले अगर हेड प्लस V3 दिया हुआ है तो बाद में क्या आएगा, V2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर V2 भर देंगे, V2 का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो रीच की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, रीच भर देंगे अपने, ठीक है। अगर मान लीजिए रीच भर के देता तो फिर यहाँ पर हेड प्लस गोन यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती। अब जैसे इसका सेंटेंस है आई टेक मिल्क, मैं दूध लेता हूँ या मैं दूध पीता हूँ, है ना, आई के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, आई टेक मिल्क बिफोर मानी पहले, आई टेक मिल्क बिफोर आई ब्लैंक स्पेस गो टू बेड, यानी बिस्तर पर जाने से पहले यानी कि सोने से पहले मैं दूध पीता हूँ, दूध लेता हूँ। अब आपने देखा बिफोर दे रखा है, अब बिफोर के पहले वाले वर्ब देखो हेड प्लस V3 होनी चाहिए अगर ये वाला रूल होगा तो, और ये होगा तो V1 या V1 में ऐसे ही है, तो आई बहुवचन है इसके साथ, इसलिए इसने V1 ही दे रखा है, तो यहाँ बिफोर दे रखा है तो बिफोर से पहले देखो V1 दे रखा है तो पीछे भी V1 ही आएगा, यानी आई के साथ में यहाँ V1 आ गया, आई गो टू बेड इस प्रकार से। आफ्टर वाले में जैसे देखिए माई मदर
cooked food after my father to office. देखिए, my mother cooked food. मेरी माँ ने भोजन पकाया. After या after आ गया. आपने after को देखा. अब after के पहले आप देख लीजिए be to दे रखा है. इस sentence को आगे भी लाएगा. लागे से ला सकता है. इसको पीछे कर सकता है. आपको ये देखना है कि before में एक तरफ अगर be to दे रखा है तो ये भरना है. Head plus be to दे रखा है तो be to भरना है. ठीक है. तो आप देखिए after के पहले be to दे रखा है तो क्या नाम से आपको यहाँ पर head plus दे रखा है. Third form बनी होगी. तो क्या बनेंगे head और जो भी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी. बहुत इस प्रकार से बनना है. तो ये आपको ध्यान रखना है बिफोर के दो हैं आफ्टर के दो हैं. तो यानी ये ग्रुप नंबर तीन हो गए. और आपको पहले मैंने ग्रुप नंबर तीन तक बताया था. दोबारा से मैंने रिपीटेशन किया है. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा सर एक बार प्लीज दोबारा से रिपीटेशन कर देना. तो मैंने आपको कर दिया. आप इन तीनों को जहां करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड के आपने पीडीएफ क्या नाम से लिख रखी है उसके बाद में आप इन तीनों को लिखना. सात ग्रुप हैं आपको तो तीन ही ग्रुप हैं. अगली वीडियो में आपके ग्रुप नंबर जो है वो पूरे कंप्लीट कराने की रखेंगे कि पूरे के पूरे ग्रुप आपके कंप्लीट हो जाए. ठीक है. थैंक्स.